ट्रेन आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अशोकनगर शहर के बारे में कुछ रोचक बातें और साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अशोकनगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। ये 2003 से पहले गुना जिले की एक तहसील थी, जिसे 15 अगस्त 2003 को प्रशासनिक सुविधा के लिए एक स्वतंत्र जिले में स्थापित किया गया। अशोकनगर अपनी अनाज मंडी और शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर गुना जिले से 45 किमी दूर है। दोस्तों, अशोकनगर को पहले पछार के नाम से जाना जाता था। यह नगर चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड, अगर बात करें अशोकनगर जिले के क्षेत्रफल की, तो अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल 4673.94 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार अशोकनगर की जनसंख्या 800,000 के लगभग है। अशोकनगर की साक्षरता 67.90% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 22.65% रहा है। दोस्तों, अशोकनगर जिले में प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं। अशोकनगर जिले में 4 मंडल और 7 तहसीलें हैं। चंदेरी, ईसागढ़, मुंगेली, शतोरा, नाईसराय, पिपराई है। फ्रेंड, अशोकनगर एक नगर पालिका परिषद है। इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगेली और ये गुना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। ये मालवा पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। हालांकि इस जिले का मुख्य भाग बुंदेलखंड पठार में स्थित है। जिले की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं अच्छी तरह से नदियों से परिभाषित है। बेतवा नदी पूर्वी सीमा के साथ बहती है, जो इसे सागर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से अलग करती है। सिंध पश्चिमी सीमा पर बहने वाली मुख्य नदी है। अशोकनगर पश्चिमी मध्य रेलवे के कुटाबिना रेलवे खंड पर स्थित है। अशोकनगर जिले के पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा तक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से करीब 87 किमी दूर है। अशोकनगर राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किमी दूर है। इंदौर से 360 किमी और ग्वालियर से लगभग 250 किमी दूर है। दोस्तों, अशोकनगर के मध्य से रेलवे लाइन होकर गुजरती है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन और एक बस स्टेशन है। अशोकनगर सड़क और रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें अशोकनगर के इतिहास की, तो अशोकनगर का इतिहास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौर्य वंश के शासक अशोक से और महाभारत से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब सम्राट अशोक उज्जैन पर विजय प्राप्त करने के निकले तो यहाँ पर एक रात विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम अशोकनगर पड़ा। और अगर महाभारत के समय से जुड़कर देखें तो हम पाएंगे कि ये क्षेत्र तत्कालीन चेदी राज्य के अधीन था, बल्कि चंदेरी भी चेदी राज्य के अधीन था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह नगर ग्वालियर के राजा सिंधिया लोगों के अधीन था और यह तत्कालीन ईसागढ़ जिले में आता था। 20वीं सदी के अंत तक इस नगर को पछार के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना और समय के साथ ही इसे जिले की मान्यता प्रदान कर दी गई। दोस्तों, अशोकनगर से लगभग 35 किमी दूर प्रसिद्ध करीला माता मंदिर है, जो भगवान राम और सीता माता के पुत्र लव और कुश का जन्म स्थान है। यहाँ हर साल रंग पंचमी पर एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें अशोकनगर में स्थित चंदेरी तहसील की, तो ये एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह झीलों, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह स्थल पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खास है। बता दें कि चंदेरी पूरे भारतवर्ष में अपनी चंदेरी साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये साड़ियां राज्यों के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अशोकनगर में स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जैसे कोशक महल। चंदेरी स्थित कोशक महल यहाँ की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संरचना के रूप में जाना जाता है। इस महल का निर्माण मालवा के सुल्तान द्वारा जीत की खुशी में बनवाया गया था। इस महल को पहले 7 मंजिला बनाने की योजना की गई थी, लेकिन यह सिर्फ 3 मंजिला तक ही बन पाया। महमूद शाह खिलजी ने सुल्तान महमूद शारकी को युद्ध में हराया था, इसलिए महमूद शाह खिलजी ने जीत की खुशी में इस संरचना का निर्माण करवाया। महल की वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी देखने लायक है। आप महल की खिड़कियां पर बनी नक्काशी देख सकते हैं। चंदेरी का किला। शहर से लगभग 71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंदेरी किला यहां के सबसे मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है, जिसका निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। इस किले की मूल संरचना को राजा कीर्तिपाल द्वारा 11 शताब्दी के आसपास बनाया गया था। अतीत से जुड़े पन्ने बताते हैं कि यह किला कई बड़े आक्रमण झेल चुका है, इसलिए इसका कई बार पुनर्निर्माण करवाया जा चुका है। खंडहर रूप में मौजूद यह किला अपने समय की भव्य संरचनाओं में गिना जाता है। इस किले के अंदर आप खिलजी मस्जिद, हवा पौर, नौखंडा महल और हजरत अब्दुल रहमान का मकबरा देख सकते हैं।
इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहां आ सकते हैं। बादल महल चंदेरी फोर्ट के बाद आप यहां की ऐतिहासिक संरचना में बादल महल देख सकते हैं। बादल महल चंदेरी के चुनिंदा सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि यह प्राचीन संरचना बिना किसी महल व किले के एक विशाल द्वार के रूप में यहां मौजूद है। अतीत से जुड़े पन्नों के मुताबिक इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। यह विशाल प्रवेश द्वार चंदेरी की बड़ी जीत की खुशी में बनवाया गया था। यह गेट अपनी दो मीनारों के साथ यहां खड़ा है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक नजर आता है। दोस्तों, प्रवेश द्वार पर की गई शानदार नक्काशी पर्यटकों का ध्यान खींचती है। दोस्तों, इसके अलावा भी अशोकनगर जिले में कई सारे टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।